अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बाजू में बनी घंटी को भी जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया के ज्यादातर लोग अपना वजन बढ़ने से परेशान हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुबलेपन को लेकर परेशान हैं। ऐसे में ये लोग वजन जल्दी बढ़ाने के लिए तरह तरह की एलोपैथिक मेडिसिन और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि इनके फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। इसलिए बेहतर यही होता है कि हेल्दी रूप से वजन बढ़ाने के लिए नेचुरल तरीकों को अपनाया जाए और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाए। तो इसलिए दोस्तों, जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा कम है, तो आज के इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए एक सिंपल डाइट चार्ट बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप अपना वजन आसानी से बढ़ा सकेंगे और वो भी बिना किसी नुकसान के। तो दोस्तों, डाइट चार्ट बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी डाइट लें उसमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और मिनरल जैसे सभी तरह के पोषक तत्व शामिल हों, ताकि आपकी बॉडी को वो सारे तत्व मिल जाएं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आइए अब सबसे पहले बात करते हैं सुबह के नाश्ते की। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपका ब्रेकफास्ट हमेशा लंच और डिनर से हैवी होना चाहिए, क्योंकि रात के खाने और ब्रेकफास्ट में काफ़ी गैप होता है, जिसकी वजह से शरीर का एनर्जी लेवल कम हो चुका होता है। ऐसे में ब्रेकफास्ट की शुरुआत एक ग्लास दूध या ताज़े जूस से करें। उसके ठीक 2 घंटे बाद 2 अंडों का ऑमलेट या उबले अंडे, मक्खन या शहद के साथ ब्राउन ब्रेड के 4 स्लाइस खाएं। अगर आप ये सब नहीं खा सकते तो पनीर या उबले हुए 2 से 3 आलू और 2 केले खाएं। इसके बाद ठीक 1 से 2 बजे के बीच दोपहर का खाना खाएं। खाने में 1 कटोरी दही, 2 से 3 घी लगी चपाती, चावल, दाल, हरी सब्जियां, पनीर और टमाटर, खीरा, बंद गोभी का सलाद पेट भर के खाएं। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन और फिश को भी अपने लंच में ज़रूर शामिल करें। इसके बाद शाम के वक्त 5 से 6 बजे के करीब भूख लगने पर आप 4 से 5 अखरोट या बादाम और साथ ही 1 से 2 केला खाएं, ताकि आपके शरीर को ज़रूरी एनर्जी मिले। अब आखिर में बात आती है रात के खाने की। तो रात के खाने में घी लगी 1 से 2 चपाती, हरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और 1 प्लेट सलाद खाएं। और आखिर में खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ भी खा लें। इससे खाया हुआ खाना आसानी से हजम हो जाएगा। हाजमे के अलावा गुड़ खाने के और भी बहुत से फायदे हैं। आप चाहें तो इस पर भी बनी हमारी एक वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस डाइट प्लान को फॉलो करने से आपका वजन जरूर बढ़ने लगेगा, लेकिन इस डाइट प्लान से अगर आपका वजन फिर भी ना बढ़े तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई इन घरेलू नुस्खों से फायदा उठा सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बाजू में बनी घंटी को भी जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।